टीम इंडिया ने रविवार 17 जुलाई को मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ भारत ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। इस हार के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर का दर्द छलका है। बटलर ने तीसरे वनडे मैच में मिली हार के लिए अपनी टीम की खराब फील्डिंग को दोषी माना है। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा कि हम इतनी खराब फील्डिंग करेंगे तो कैसे मैच जीतेंगे। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ियों को मौका देंगे तो वो मैच को पूरी तरह से पलट देंगे और हमारे हाथ से छीन लेंगे। दरअसल जब ऋषभ पंत अपनी पारी की शुरुआत कर रहे थे और 18 रन बनाकर खेल रहे थे तब इंग्लैंड के पास उन्हें आउट करने का एक मौका था। 16वें ओवर में स्पिनर मोइन अली की बॉल पर पंत ने आगे बढ़कर लंबा हिट लगाने की कोशिश की थी मगर बॉल उनके बल्ले पर नहीं आई थी। इस वक्त विकेट कीपर और कप्तान जोस बटलर भी स्टंप के पीछे बॉल नहीं पकड़ पाए। यदि वो बॉल पकड़कर स्टंपिंग करते तो पंत की पारी वहीं पर खत्म हो जाती।